कल जो वाकया पेश आया निर्मल में, ये आज दिन भर मुसलमान वहाँ पर जमा हुए। जमा होने के बाद में मस्जिद की मालूमात करने के लिए जमा हुए थे, तो अचानक पुलिस का आज दिन भर का जो कार्रवाई थी मुस्लिम महलों में और मुस्लिम आर्गन नौजवानों की गिरफ्तारी, कई वीडियोस मुझे निर्मल से आए हैं और फोटोस आए हैं कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार करते हुए सैकड़ों नौजवान मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। और आज जो एक सेक्शन 144 लगा दिया गया है 3 दिन के लिए, तो आर्डर जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से दिया गया है, तहसीलदार की तरफ से, ये आर्डर में ये कहा गया है कि ये वाकया जो है कल का हिंदू मुस्लिम तनाज़े की वजह से हम सेक्शन 144 लगाया जा रहा है। तो मैं इस बात का एहतजाज करता हूँ कि कल पेश आया निर्मल में जो वाकया था, ये हिंदू मुस्लिम वाकया नहीं था, बल्कि शरपसंद अनासिर विश्व हिंदू परिषद और सेकुलर ताकतों को कमज़ोर करने के लिए ये वाकया पेश आया था। विश्व हिंदू परिषद फिरका परस्ती करते हुए कल जो रैली निकाली गई थी, और पुलिस की जो नाहेली थी कल, यानी पहले 7 बजे से वो लोग गड़बड़ कर रहे थे, पहले एक मस्जिद का ने कुछ गड़बड़ किए, पुलिस खामोश रही, फिर दूसरी जगह एक गड़बड़ किए, पुलिस खामोश रही, तीसरी मर्तबा जब वो लोग मस्जिद गुलजार के पास गए तो खुल्ला अल्लाह लेनान जो वीडियोस में बताया जा रहा है कि मस्जिद के ऊपर पथराव किए विश्व हिंदू परिषद के लोग और पुलिस खामोश रही। आज कल ये वाकया होने के बाद में जो मुस्लिम नौजवान जमा होकर मस्जिद गुलजार को देखने के लिए गए थे, उनकी वीडियोग्राफी करके रात में 3 बजे से यह कार्रवाई शुरू हुई, कई बच्चों को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद मुनवर जो एक सर्विसमैन है, मोहम्मद खमर साहब, उनके लड़के को गिरफ्तार किया गया। जब उनके वालदा वालिदैन बच्चों के पुलिस स्टेशन गए तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई। और आज जो है पुलिस अंधाधुन लाठीचार्ज करते हुए कई सहाफ़ियों को भी जख्मी किया गया, इसके अंदर सहाफ़ियों के साथ भी बदतमीजी, खास तौर पर उर्दू अखबार के रिपोर्टर्स को इसमें टारगेट किया गया है, मुझे पता चला है। तो आज ये मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ में कार्रवाई करने की क्या वजह थी? मुस्लिम नौजवान तो कल कोई जुलूस नहीं निकाले, मुस्लिम नौजवान जाके कोई मंदिर के ऊपर पत्थर नहीं मारे, ये वाकया जो है रात में ही जो परमिशन लिया था उसको गिरफ्तार करना था, और आपके जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो CCTV कैमरे में हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके पुलिस क्या मैसेज देना चाह रही है? तेलंगाना सरकार को इसका नोट लेना चाहिए, KCR साहब को, KTR साहब को इसका नोट लेना चाहिए, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब को जाकर निर्मल का दौरा करना चाहिए ताकि मुसलमानों में एक तहफ़ आज निर्मल के मुसलमान बहुत परेशान है पुलिस जुलूम से। कल का वाकये से लोग गमजदा थे तो आज पुलिस के कार्रवाई से परेशान है। मेरा मुतालबा है कि KCR साहब इसके अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए, जो पुलिस के आला अहदेदार कल जिम्मेदार थे रैली की निगरानी कर रहे थे, जबकि वाजे पिछले 3 साल से कहीं ना कहीं आदिलाबाद और निज़ामाबाद के अतराफ के इलाकों में, निर्मल के इलाकों में कोई ना कोई शरपसंदी हो रही, चाहे वो रामनवमी का जुलूस रहो या हनुमान जयंती का जुलूस रहो, लेकिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट रहने के बावजूद भी पुलिस की नाहेली क्यों की गई, वो कौन अहदेदार थे, उनका तबादला करना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। और जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग जो वीडियोग्राफी में आए हैं पत्थर मारते हुए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये जो मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किए उनको फिल और फौरी छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि पुलिस जो है फिरका परस्त अनासिर की पुष्पनाई कर रही है। अरे मस्जिद के ऊपर पत्थर मारे, लोग गए जमा हुए देखने के लिए, तो उनकी वीडियोग्राफी करके उनको